जय हो। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, वुड नेवर मिस अपडेट्स फ्रॉम चरम मंगल। आपका प्रश्न यह है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो क्या इन सब लाखों लोगों ने कोई ऐसा सामूहिक कर्म किया था क्या कि उस कोरोना के जीव को हमने कष्ट उपजाया था जो आज हम सबके लिए कष्ट का निमित्त बन रहा है? तो भैया इसको इस एंगल से मत सोचो कि हमने कोरोना को कष्ट पहुंचाया। आज दुनिया में विभिन्न प्रजातियों के जीव सदा रहते हैं, सदा रह रहे हैं और सदा रहेंगे, ठीक है ना। वायरस, बैक्टीरिया, मतलब इसको अपन शास्त्र की भाषा में कहें तो निगोद, वनस्पति कायिक, पृथ्वी कायिक, अपकायिक, ये सारे जीव सदा थे, हैं, रहेंगे ही, है ना। कोई किसी को बाधा नहीं पहुंचा रहा, सब अपने अपनी क्रिया प्रक्रिया में गतिशील है। जैसे आप समझो कि हवा चल रही है क्योंकि इसका स्वभाव है चलना। अब हवा के चलने से कुछ वनस्पतियां फल फूल रही है और कुछ वनस्पतियां गिर के नष्ट हो रही है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हवा ने उन वनस्पतियों को गिराया क्या? नहीं गिराया। हवा अपने स्वभाव में चल रही है और वे वनस्पतियां अपने स्वभाव के अंदर कभी विकसित हो रही है और कभी मर रही है, कभी गिर रही है, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस वीक है, उनको वो हवा को झेल नहीं पाई। अच्छा, उनको जितनी हवा की जरूरत थी उससे ज्यादा हवा मिल गई, अथवा जितनी हवा की जरूरत थी उससे कम हवा मिल गई। तो अब उसमें हवा ने कुछ नहीं किया है, उस वनस्पति की अपना एक जीवन प्रक्रिया है और हवा का अपना एक जीवन धर्म है। और सबके, हम पूरी दुनिया ऐसे ही तो है, हम सब अपने अपने कार्यों के लिए निकले हुए हैं, ठीक है ना। अब रास्ते के अंदर कोई किसी को मिल करके सहयोगी बन जाता है, कोई किसी को बाधक बन जाता है। तो हमने किसी को बाधा दी, इसलिए बाधा मिली हो हम ऐसा सोचते हैं। हकीकत यह है कि बाधा मिली नहीं है, वो प्रवाह ही ऐसा है। अब आप इसको बाधा मानो तो बाधा, आप इसको सहयोग मानो तो सहयोग है, समझना। ये सारे तत्व निरपेक्ष गति कर रहे हैं, न्यूट्रल गति कर रहे हैं। जैसे ने एग्जांपल दिया हवाओं का चलना और वृक्षों का जीना या मरना, ठीक है, या हम में से कितने लोगों का जीना या मरना। तो अब इन हवाओं में से कुछ हवाओं के साथ वायरस भी फैल रहे हैं, तो उसमें क्या बात है? वायरस तो सदैव फैल ही रहे हैं। हमारी बॉडी का इम्यून है कि हम जी पा रहे हैं, और हर एक प्राणी का अपना इम्यून सिस्टम है कि वो हर एक प्रकृति के वातावरण में जी रहा है ना। मतलब सबका अपना अपना इम्यून है, इसलिए वो जी रहे हैं। अब वो नहीं जी पाते और मर जाते हैं तो ये भी एक नेचुरल उनका ऑर्डर है। मतलब ये उनका भीतर का क्रम है कि उनकी क्षमता नहीं है वो उस वातावरण को झेल पाए, एडजस्ट कर पाए, इसलिए मर जाते हैं। अब यहाँ पर कोई उस कोरोना को हमने कष्ट दिया इसलिए वो हमें कष्ट पहुँचने आया, ऐसी सोच ही नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि कोरोना कोई एक प्राणी नहीं है, कोई एक जीव नहीं है, वो एक वायरस है और ये बहुत सारे जीवों का समूह है, समझ लो। और ऐसे तो लाखों करोड़ों तरह की प्रजातियां, जीवन सदा है, थे, रहेंगे ही। इनमें से कितने एक दूसरे को खाकर के जीवन जी रहे हैं ना। बड़ी मछली छोटी मछली को खा करके ही अपना जीवन जीती है। हम सब पानी पी करके जीवित है, हम सब भोजन करके जीवित है। तो ऐसे है कि हम भोजन करके जीवित है, हम भोजनों को, भोजन सामग्री को बहुत कष्ट उपजा रहे हैं इसलिए भोजन सामग्री कल मिल करके हमें कष्ट पहुंचाएगी। इस तरह से हमें सोचना ही नहीं चाहिए कि हम उनको कष्ट दे रहे हैं, वो हमें कष्ट दे रही है। हम सब परस्पर साथ ही रह रहे हैं, साथ ही पल बढ़ रहे हैं और हम सब एक दूसरे के साथ सहयोग भाव में है। अब बात ही की भाव क्या है, हमारा सहयोग भाव है या विरोध भाव है? सहयोग भाव है तो इम्यून डेवलप होगा, विरोध भाव है तो इम्यूनिटी वीक होती जाएगी। अब ये पर्सनल लेवल की बात है कि हमारा भाव किस तरीके का है, सहयोग है या विरोध है। लेकिन हमने किसी को कष्ट दिया, वो जीव इसको कष्ट देने आया, लाखों लोगों ने दिया इसलिए लाखों को कष्ट मिल रहा है, इस दृष्टि से हमें नहीं सोचना चाहिए। ये तो प्राकृत प्रवाह है, हम में से हजारों हजारों दुनिया के प्राणी हर पल ही तो जीते और मरते हैं। कोई अभी आज की बात थोड़ी है, ये तो हर पल ही जीवन मृत्यु चालू ही रहता है ना। हर पल ही लोग मिलते भी छूटते रहते हैं ना, हर पल ही सब कुछ घटनाएं घटती रहती है। अब ये कुछ ऐसी घटनाएं घट गई कि जिसके भय और आतंक की वजह से दुनिया लॉकडाउन हो गई, तो अब लोग सोच रहे कि ओ हमने कोई ऐसा पाप कर्म किया है। पाप कर्म नहीं है ये, हम देख रहे कि जब पुराने लोग कहते थे ना कि जैसा जैसी हवा चले वैसा अपना रुख ले लेना चाहिए, बोलते राजस्थान में बोलते कि जेड़ो बायरो बाजे वैड़ी ओट ले लेनी चीजे, यू नो मारवाड़ी लाइन ऐसा बोलते हैं। तो जब जैसा माहौल हो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिकॉशन करके रख के चलना चाहिए। तो इसमें हम कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं, ना हमारे को मन में उनके प्रति कोई क्रूरता है, ना कोई करुणा है। हम सब लोग अपने अपने वातावरण के अनुकूलन अपने आप को बना रहे हैं, और अनुकूलन बनाने में कोई बुराई नहीं है। हर प्राणी करता है,
जब हवा चल रही होती है तो वृक्ष भी तो अपने आपको सिकोड़ रहे होते हैं कि ज्यादा इतनी हवा को मैं प्रवाह नहीं सहन कर पाऊँ और मर जाऊंगा, तो अपनी शक्तियों को भी एकत्रित करके चलते हैं, ठीक है ना। हर प्राणी ऐसे ही तो चल रहा है, हम भी ऐसे ही चल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई, हमारी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हो गई, इसलिए हमें बहुत बड़ी घटना लग रही है। अगर अभी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब नहीं हो रही होती तो कितनी महामारियाँ हमेशा रहती है, लोग जीते भी है, लोग मरते भी है। बोल रहे ना, हर साल प्लेग से भी इतने लोग मरते हैं, हर साल डायबिटीज से इतने लोग मरते हैं, कैंसर से इतने लोग मरते हैं, लेकिन हमें से कोई भी दुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हमारे को सबको प्रभावित नहीं कर रही होती है, जो मर रहा होता है जिसके संबंधी जो होते हैं उसी को प्रभावित कर रही होती है। लेकिन हम इस घटना से सब लोग प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि हमारा लॉकडाउन कर दिया, तो हमें सब सोच पैदा होती है, ओ कर्मों का क्या प्रभाव है, हमने उस जीव को कष्ट दिया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब प्राकृत प्रवाह है, सदा था, है, रहेगा ही। हम में से हर एक व्यक्ति अपना अपना इम्यून के अकॉर्डिंग अपने आप को हर वक्त एडजस्ट करके ही चल रहा है। मतलब अभी भी हमारी बॉडी में कितनी एंटीबॉडीज है, फिर भी हम लोग चल रहे हैं ना, और वो सब का होना भी हमारे लिए जरूरी है। अगर वो सब ना हो, संघर्ष ना हो, तो जीवन भी नहीं बचेगा। तो संघर्ष में ही चेतना रहती है, बिना संघर्षों के चेतना रही कब है और रह सकती कब है। इसलिए संघर्षों को कोई कर्मों का प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, इस तरह से ना देखा जाए, बल्कि एक सहज प्रवाह है। बस हम लोग अभी इसलिए परेशान है क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिल गया है ना, इसलिए हम सब परेशान हो रहे हैं। बाकी कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं।